This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइव वायर के इस ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ चार से पांच अहम खबरें वो आपके सामने आज शेयर करेंगे, उसको रखेंगे, उसके साथ साथ पूरा दिन आपको अपडेट रखेंगे हर सेक्टर के हवाले से, खुसूसन जो डेवलपमेंट डेली बेसिस पर हो रही होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी रेगुलेटर की बात की गई है, रेगुलेशंस की दोबारा बात की गई है, जिसको हमने खासा डिस्कस किया और मज़ीद एलोब्रेट किया, आज फिर उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जंप है, उसमें यानी कि वो आई है आपके पास 56% के हिसाब से जुलाई और सेप्टेम्बर 2017 में, और ये रिपोर्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशन सब बता रहे हैं कि एफडीआई जो है आई है, और कुछ लोग कह रहे हैं जी एफडीआई जा चुकी है। तो हमारे पास, जैसा मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि प्रॉपर स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के नंबर्स पे लोग एतराज़ करते हैं, इख्तलाफ़ करते हैं, आपके जो नंबर्स होते हैं वो ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट होते हैं, इस तरह की तो बात की जाती है। देख लें, आपके सामने सारी सूरत हाल है। SBP की रिपोर्ट जो कि गुज़िश्ता रोज़ जारी हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि फर्स्ट क्वार्टर 2017-18 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि 56% जो है वो FDI की इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है, और मज़ीद उन्होंने डिस्कस किया कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उन सेक्टर से आई है, खसूसन CPAC के हवाले से उसको जो है रेफरेंस किया गया कि जी CPAC से एसोसिएट ये कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट आई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे FDI के हवाले से, और भी कुछ आपको आपके सामने रखना है वो मैं आपको बता दूं। और ये तो सूरत हाल थी FDI की। आप कुछ बात करेंगे कॉटन की, कॉटन प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है 37% के हिसाब से, और ये रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने, जिसको PCGA कहा जाता है, और इन्होंने कहा है जी जो कंट्री में प्रोडक्शन हुई है वो 55.984% कॉटन बेल्स पर अक्टूबर 15 जो कि 36.72 समथिंग हुई है, यानी कि 36 के हिसाब से परसेंटेज में इजाफा हुआ है। अब देखते हैं कि जी इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है कि हर चीज़ अच्छी अच्छी नज़र आ रही है, तो फिर क्यों कहते हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। और फिर आपके सामने है इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें कुव्वत ख़रीद आपकी कितनी जो है मुतासिर हो रही है, आप लोग कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं पावर परचेजिंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ढकी छुपी नहीं है। अब जी कुछ मज़ीद बात करते हैं FVR की। FVR ने एडमिट किया है कि हम इनएबल हुए, हमने इनएबिलिटी थी हमें कि हम कलेक्ट ना कर सके प्रॉपर टेलीकॉम कम्युनिकेशन से, टेलीकॉम सेक्टर से डाटा। और आपको बताएं कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंस एक्सप्रेस हुआ है कि जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा है कि अनएबल टू कलेक्ट विथ होल्डिंग टैक्स प्रॉपरली फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज। तो आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम का सेक्टर आपका कितना ज़बरदस्त कमा रहा है, लेकिन FVR ने कहा कि हम प्रॉपरली उनसे जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है जी, ये आपके सामने सारी बात है। और लास्ट में आपको बता दें जो खबर आई थी वो मैं आपके सामने रख दूं, NBP के हवाले से है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, टैक्स पेयर्स हैं जो कराची में वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम क्योंकि मैनी ऑफ टैक्स पेयर्स इन द मेट्रोपोलिस वर फेसिंग डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ IT प्रॉब्लम इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉडर्न ब्रांच ऑफ क्लिफ्टन। उस ब्रांच का मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है, लेकिन आपके सामने है ये रिपोर्ट जो है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है, अखबारों में आ चुकी है कि और 19 अक्टूबर की को ये रिपोर्ट किया गया है। कहकशा क्लिफ्टन, चले मैं बता देता हूँ आपको कि कहकशा क्लिफ्टन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस ब्रांच में जहाँ पर जो है सारे प्रॉब्लम किया जा रहा है, IT की बुनियाद पर जो है
टैक्स पेयर्स को खासा प्रॉब्लम करनी पड़ रही है। एनबीपी की सूरत हाल आपके सामने है, एनबीपी को स्टेबल रखा गया है। देखें गवर्नमेंट का क्या मेजर रहता है, क्या रोल रहता है कि एनबी में जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये सूरत हाल है सारी आईटी सेक्टर भी आपका देख ले, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे फंडामेंटल तो ठीक है ही नहीं कि जी हम ये हो जाएगा और आईटी में तो ये बूम आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि अच्छी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तौर पर हम अपनी पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस बनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट और तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस में डेजिग्नेशन के बड़े पैमाने पर लोग होते हैं, अपर हायरकी की मैं बात करूँ, उसमें आपको एक्सपर्ट रखने की खासा ज़रूरत है ताकि उसको ग्राउंड रियलिटीज़ पता हों फॉर दियर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नोट। उसके बाद आप देखें कि आपके मामलात खासा बेहतर हो सकते हैं। आईटी सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत जंप है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्पेस है जो कि फुलफ़िल नहीं हुआ हुआ, हमें वो फुलफ़िल करना है हर सेक्टर में। आईटी के बाद बात करूँगा ऑटो सेक्टर की। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि ऑटो सेक्टर से एसोसिएट जो इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की जा रही है, ये लोगों को बस समझ नहीं आई है कि अब होगा क्या। मज़ीद आप इम्पोर्ट पर जो है वो इस तरह की रेगुलेशन बनाकर मामला ख़राब करेंगे तो कैसे सर्वाइवल होगा। तो या तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और बड़ा सपोर्ट कीजिए, उसको इनहेंस कीजिए, आपने रेगुलेटर ड्यूटी लगा दी, अब आप मुझे बताइए कि एफएमसीजी के जो आइटम्स होंगे जो डेली बेसिस पर आप लोग खरीदते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी और उनकी कोई वो तो फूड प्रोडक्ट्स में तो वैसे ही पेनिट्रेट कर चुके हैं, कैसे आप मुझे बताएं, आपकी कमोडिटीज मुतासर होंगी। एनीवे प्राइसेस ऑफ व्हीट, ठीक है जी, शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड कार विल गो अप। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑटो पे मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी, वाज़े बात की थी कि सरकार के पास कोई वाज़े पॉलिसी नहीं ऑटो सेक्टर से एसोसिएट। जो पॉलिसी है उसमें आप देख लें कि वो तीन असेंबलर्स को सपोर्ट किया जा रहा है और न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगे जब इम्पोर्ट के व्हीकल्स आप यहाँ पर एक कदखन या एक ब्रेक लगाने की मज़ीद बात करेंगे। तो फिर आपने ऑप्शन क्या अवेलेबल रखा 660 cc के लिए, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में ऑप्शन अभी राइट नाउ अवेलेबल है, कोई नहीं है। 660 cc के लिए लोगों को गाड़ियां इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट व्हीकल लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं, अब उसकी प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होगा तो आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर्स में आपके बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, खुसूसन जो आपके किचन के आइटम्स हो गए और आपके वो हो गए स्मार्टफोन्स, एक बड़ा आपका मार्केट चंक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएट है, उसके साथ साथ गैजेट्स भी हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आप देख लीजिए, कॉस्मेटिक्स की तो ज़रूरत देखें आपको रहती है, तो कॉस्मेटिक्स जो इतना है उस पर तो चलें हम नहीं बहस करते, लेकिन नहीं होना चाहिए उस पर भी। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट जो कि आपके पाकिस्तान में बनते हैं वो तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि उसमें अब और पैसा लगेगा, अब उसमें और आपको महंगे मिलेंगे। शुगर की बात की है इन्होंने और प्राइसिस ऑफ व्हीट की बात की है, व्हीट का भी आप हाल देख सकते हैं, आप शुगर का भी हाल देख सकते हैं कि क्या हुआ हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है, आप देखें किस तरीके से ये करेंगे। जाते जाते इस तरह की बात करना, जाते जाते से मुराद ये है कि गवर्नमेंट का लास्ट टेन्योर है, कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे जो खासा बेहतर हो सकते थे। इसी पर बात करेंगे, मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे, रेगुलेटर ड्यूटी की बात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, बहुत एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, अज़र बाटला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MD हैं फर्स्ट कैपिटल के। अज़र बाटला साहब अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बाटला साहब, गुज़िश्ता रोज जो इम्पोर्ट ड्यूटी पर रेगुलेशंस लगाने की बात की गई है, आपका क्या कमेंट है सर इस पे? देखिए काफी दिनों से ये बात आ रही थी कि पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो अंडर प्रेशर है और नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो इम्पोर्ट का जो फिगर्स ये है की लास्ट 3 मंथ में ये काफी ज्यादा बढ़ गए। प्रॉब्लम सर ये है कि पाकिस्तान की जो आपने कहा इस टर्म का गवर्नमेंट का ही लास्ट ईयर है जी। और बेसिकली अब जब देखा इलेक्शन ईयर होगा तो जाहिर है गवर्नमेंट को एक अपने वापस पब्लिक में भी जाना है, इस वक्त अगर IMF के पास जाते हैं तो बड़ा नेगेटिव सिग्नल मिलेगा ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को, तो उसको जितना हद तक अवॉइड करना हो सकेगा वो अवॉइड करें और उसमें उनको थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर भी लेने पड़ेंगे और हमने देखा कि वो ले भी रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि कर्व करें नॉन एसेंशियल आइटम की इम्पोर्ट को। तो रेगुलेटरी ड्यूटी इज द इजीएस्ट वे आउट।
ठीक है बाटला साहब, खुसूसन जो हमारा ऑटो सेक्टर है, आपको वाजी तौर पर पता है कि वहाँ पर प्रॉपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, पॉलिसी नहीं है, वो भी बड़ा लिमिटेड है, बड़ा स्पेस है उस सेक्टर में, और बड़ी तादाद में एक्सेसरीज और इंपोर्ट व्हीकल्स जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं, उसकी ड्यूटी में भी इजाफा करना, उसके लिए भी सख्त कानून बनाना, तो ये और ज़्यादा मामला ख़राब नहीं होंगे? देखिए जी, जिस कैटेगरी में बढ़ाई गई है, आपने जहाँ कल हमारे एनलिस्ट को भी लिया था, उन्होंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, और हमारी वो आई भी है, अगर आप देखें तो वो जो उनकी तीन कैटेगरीज में है, और उसमें जो सबसे जिस पे लगाई गई है टोटल इम्पोर्ट का 3% है, तो मेरे ख्याल में एक तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, और ये जो थोड़ा हमने यूफोरिया देखा हमारी लोकल मार्केट में जो स्टॉक्स ऊपर गए थे, उस वजह से वो समझ रहे थे कि कोई ड्यूटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, 1800 सीसी ऊपर है जहाँ पे आपकी जो मेजर गाड़ियां हैं बिलो 1000 सीसी या जो इम्पोर्ट में जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में अगर आपको नंबर चेक करें वो सबसे ज्यादा बिलो 1000 सीसी कार में आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उन छोटे कंज्यूमर को या उन कंज्यूमर को अफेक्ट करेगा जो बिलो 1000 सीसी गाड़ियां खरीदते हैं, तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल में एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि अगर 1800 सीसी या उससे ऊपर या इवन 1600 से ऊपर से जो लोग ले रहे होते हैं उनकी जो अफोर्डेबिलिटी होती है या उनकी जो एबिलिटी होती है बाय करने की वो अच्छी खासी होती है, उसमें अगर 15-20% से अगर प्राइस ऊपर भी लग जाती है तो मेरा निकाल में उनको खास फर्क पड़ता है, या अगर पड़ता भी है तो डिस्करेज ही करना है ना आपने बेसिकली, तो इट्स अ गुड वे टू टैक्स। देखिए लग्जरी दुनिया में हर किसी भी चाहे वो डेवलप कंट्री हो उसमें लग्जरी टैक्स होती है, हमारे यहाँ सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जो बहुत ज्यादा लेवल में इम्पोर्ट हो जाती है या जो करंट अकाउंट डेफिसिट को अफेक्ट करती है, जिसका आजकल किया हुआ क्योंकि हमारी मशीनरी भी इम्पोर्ट हो रही है, सीपैक की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट लग भी रहे हैं, तो बहुत सारी जो इम्पोर्ट पे प्रेशर है या रुपी इम्पोर्ट पे हम नजर आ रही है चीजें, वो डेफिनेटली प्रोडक्टिव एसेट्स इम्पोर्ट हो रहे हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है, हाउएवर अगर आपकी कंजम्पशन भी उसी तरह ऊपर जा रही है और अनफेक्ट चली जाएगी तो जाहिर है आपका जो एक करंट अकाउंट बैलेंस है जो वो अफेक्ट होता है तो वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, तो मेरे सामने इसको तो पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन ईयर है, आखिरी 8-9 महीने हैं गवर्नमेंट के, नेक्स्ट ईयर जून तक इनकी टेन्योर है, फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, केयर टेकर आएगी, तो उससे पहले पहले ही जो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो जितनी कंट्रोल तरीके से क्या कहते हैं करेंसी को भी मैनेज कर लें विदाउट अफेक्टिंग, क्योंकि देखें फिर आपकी इम्पोर्ट अफेक्ट होती है, सीपैक के जो मनसूबे उनकी बहुत ऊपर चली जाएगी, तो करेंसी की भी स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। ठीक है बाटला साहब, स्टॉक मार्केट का मुझे बता दें, गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट अनबैलेंस रही और पीर मंगल को मार्केट को खासा सपोर्ट लगी, आज क्या सूरत हाल स्टॉक मार्केट की आप देख रहे हैं कि आज अभी जो आगाज हो चुका है बाकायदा स्टॉक मार्केट का, और मार्केट स्टॉक मार्केट अपना आप कितना बैलेंस रखेगी, और जो रिवाइज 20 बिलियन फंड्स की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, क्या वो कैपिटल मार्केट में इंजेक्ट किए जाएंगे या नहीं? एक तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं किया गया, जो तो ब्रोकर की डिमांड है। जी जी, ब्रोकर की डिमांड, ब्रोकर की या एक कम्युनिटी की डिमांड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी, अगर ये आप पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा ये वो रिक्वेस्ट की जाती है या उस पर उसको फॉरन मांगा जाता है, लेकिन वो कभी इतनी जल्दी, आपको पता है गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी, और अगर वो विलिंगनेस भी हो तो नहीं हो सकता पॉसिबल, एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कंडीशन है उसमें, हाँ एक चीज मैं हाईलाइट करूँ कि जब भी ये गवर्नमेंट के फंड बने और उन्होंने मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, हाउएवर दे हैव गॉटन वेरी गुड रिटर्न, तो वो तो उसका इकोनॉमिक या एक एक लेकिन मुझे नहीं लगता इस कंडीशन में, क्योंकि जितना क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था उस वक्त उनका एक बिल्कुल ही डिफरेंट मोमेंटम था गवर्नमेंट का, उस वक्त गवर्नमेंट का ये फोकस होगा कि जितने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और पावर प्रोजेक्ट, उनकी कंप्लीशन पे फोकस किया जाए, स्टॉक मार्केट जितना भी इसको कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर है इकोनॉमी का, लेकिन उसमें वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करना चाहेंगे। जो टैक्सेशन के इश्यूज उठाए हैं मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट उनको उससे देख लें, क्योंकि मार्केट में लो वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली ना सिर्फ ब्रोकर की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमने देखा फ्लोस पर बहुत सारा अफेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से मार्केट ने कुछ 25-30% की करेक्शन ऑलरेडी ले ली है, और कुछ ब्लूचिप तो बिलो 50% आ गए हैं फ्रॉम पीक। ठीक, ऑलराइट, थैंक यू सो मच अज़र बाटला साहब, आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे थे रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, और देखना ये होगा जैसा बाटला साहब ने कहा कि वॉल्यूम श्रिंक हो चुके हैं और मज़ीद बेहतरी के लिए भी काम करना पड़ेगा। ब्रोकर्स की डिमांड थी बाय द वे कि $20 बिलियन के फंड्स जो है मार्केट में इंजेक्ट किया जाए, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस बाटला साहब के लगता नहीं है कि करेंगे, क्योंकि माजी में भी कुछ मामला हमने देखे तो उस पर भी ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट की आज सूरत हाल आपको अपडेट रखेंगे, जो सूरत हाल होगी और
आपको बताएंगे। और साथ साथ ये सूरत हाल ये भी है कि गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट जो है अनसर्टेन रही, इस पर मज़ीद बात करेंगे कि आज क्या सूरत हाल रहती है और कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपके लिए हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिकल मामलात आपके मुल्क में चल रहे हैं और इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें सुबह सवेरे ज्वाइन किया है मुस्लिम हसनी साहब ने। बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं अपनी फील्ड को लेकर। मुस्लिम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मुस्लिम साहब, जो सूरत हाल अभी चल रही है, गुज़िश्ता हफ्ता भी आपने देखा खासा अहम रहा, बड़ी डिस्कशन हुई, बड़े पैमाने पे हुई, इस हफ्ते भी मामला डिस्कस किए जा रहे हैं। कभी IMF कुछ कहता है, कभी यहाँ से रिपोर्ट्स जाती हैं। IMF ने ये दो हफ्ते पहले कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा। दो दिन पहले कहता है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो चुकी है, पाकिस्तान अपने मौजूदा टारगेट को अचीव कर रहा है। किस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। यार, बात यह है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB और जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इनके बजाय हम अगर अपने मुल्क की मकासद और उस पर देखें ना, तो हमें हकीकतन अफसोस होता है कि वो देखें, उनके हर बयान के पीछे दो नज़रिए होते हैं। एक तो वो आपको मदद करने की ऑफ़र भी कर रहे हैं, दूसरा ये कि फिर वो बाद में आपसे टर्म्स एंड कंडीशन भी अपनी सेट करेंगे जिस तरह भी होंगी। तो हम अपने खुद मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं? कल मैं एक एनालिस्ट का वो प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान में करप्शन और लोन और ये जो उसकी वजह से हमारे कर्ज़े जो हैं वो तकरीबन 82-83 अरब डॉलर तक पहुंच गए, और इस साल बजट बनाने के लिए आपको 35-40 अरब डॉलर मज़ीद चाहिए। 35-40 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है हमारे जैसे मुल्क की, जिसकी मईशत अभी पूरी फुल्ली पोटेंशियल पे ग्रोथ नहीं है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक GDP बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, और हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो बहुत बड़ी तादाद में हो सकती है, लेकिन वो अभी तक उनको वो उसके बेनिफिट या एडवांटेजेस नहीं मिले। प्रॉब्लम ये है कि यार, हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, हमारे पास विल किधर है? अगर हमने ये बात 5 साल पहले कही थी या 10 साल पहले की थी कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि कर्ज़े हम क्यों ले रहे हैं बार बार और किस वजूहात से ले रहे हैं। उन वजूहात को हमें टैप करने और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो तो हम कर नहीं रहे। तो मैं आपको इब्तदाई हमारे प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी कि इस मुल्क में लोग जो हैं, या जो बजट मेकर्स हैं या जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक प्लान नहीं बना रहे कि मुल्क में रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स डेवलप किए जाएं। कर्ज़े लिए जाते हैं, कर्ज़े जो हैं वो कर्ज़ों की अदायगी में चले जाते हैं, कर्ज़े लिए जाते हैं वो मुल्क के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। तो कर्ज़ लेने का मकसद कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि आप अपने खर्चे तो कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, और मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल अब है नहीं कि वो उनको पे बैक करें। तो क्या हो क्या रहा है कि ये किस्म का एक सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल रिस्क पैदा होता जा रहा है मुल्क की, आपकी जो ओवरऑल कंडीशन है, एक आपकी ख़ुद मुख्तारी के ऊपर एक निशान बनता जा रहा है। ज़ाहिर है, आप जब टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट कराई जाएंगी आपको और आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो उनके पीछे उनके मकासद भी होंगे, वो आपसे बहुत सारे कंसेशंस भी लेंगे, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें मनवाएंगे, जो कि हो सकता है हमारी। हसनी साहब, डॉलर लेने के चक्कर में टर्म्स एंड कंडीशन की बात आपने बहुत अच्छी रखी है, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ये आवाम के सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते सर? इसलिए नहीं आते कि हमारी एलीट क्लास ने कभी आवाम को हकीकत बताई नहीं है। इस हमारे हुक्मरानों, देखिए मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, मुल्क की दुनिया की जितनी भी डेवलप इकोनॉमिक्स हैं या डेमोक्रेसीज हैं ना, वहाँ पर वो लीडर्स को बिल्कुल सच्चा और अमीन और कहते हैं ईमानदार आदमी समझते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा ही होता है क्योंकि वही उस मुल्क को लीड करते हैं। उस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए जब तक आदमी हक बात नहीं करेगा, सच नहीं बोलेगा, ईमानदारी नहीं करेगा या आपके कहते हैं ना झूठ नहीं बोलेगा, उस वक्त तक लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, फेथ नहीं करेंगे। और अगर जिस दिन उनको इस बात का एहसास या अंदाज़ा हो जाए या इल्म हो जाए कि इस आदमी ने हमारे साथ झूठ बोला है, उधर उठा के पटक देते हैं वो लोग, निकाल देते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी पूरी जनरेशन जो है ना, वो ये हो रही है कि हम लोग बहुत आराम से झूठ बोल लेते हैं।
मैं मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन लोगों पर ट्रस्ट कैसे पैदा हो, कैसे लोग एक दूसरे पर एतमाद करें, जब लोग सच ही नहीं बोलेंगे तो लोग कैसे करें। अब हमारे यहाँ देखें इंटरनेशनल लेवल्स पे हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन कभी भी आवाम के सामने नहीं ले जाती, इवन वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं होती कि लोगों को पता चले या उनके नुमाइंदों को पता चले। काबीना उस पर क्या लेती है, एक किचन कैबिनेट होती है, एक एक मास्टर कैबिनेट होती है, वो दोनों अपने आराम से बैठ के फैसले लेते हैं। कोई रिफॉर्म नहीं हो रही है साहब। मैं तो देखता हूँ कि बड़े बड़े कंट्रीज हो गए, डेवलप कंट्रीज हो गए, उनके यहाँ जो है गवर्नमेंट के सेशंस लगते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं या जो असेंबली उनकी होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ फ्लोर होता है उनके यहाँ भी फ्लोर होता है, बाकायदा पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन रखी जाती है सामने, सबके पास सिस्टम्स होते हैं। हम तो बड़ी बातें करते हैं एडवांसमेंट की, आप वहाँ पर फंड क्यों नहीं लगाते, आप नेशनल असेंबली में, प्रोविंस असेंबली में आप जो है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बताइए कि जी आपने ये फंड यहाँ एलोकेट किया, इस मिनिस्ट्री ने ये काम किया, इसने ये फंड किया, इस तरह से आवाम में एतमाद और पैदा होगा। देखिए बात आप वही कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोगों का एतमाद हासिल किया जाता है, और एतमाद हासिल करने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप उनके साथ सच बोले। आप अगर एक किसी किस्म के आपने एक प्लानिंग की, बजट बनाया या एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और उस पर आप नाकाम हो गए, कोई बात नहीं, आप ओपनली आवाम के सामने सच बोलेंगे। आवाम, इस मुल्क की आवाम इतनी बाशऊर भी है और इतनी हमदर्द भी है कि वो आपको उस गलती पे माफ़ भी कर देंगे, लेकिन मुतवातिर गलतियाँ तो नहीं कर सकते ना फिर आप। दूसरी चीज़ ये कि आपको सच बोलना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ लोग सच नहीं बोल रहे, हमारे हुकुमरान जो हैं वो अपने लोग। अभी एक रिपोर्ट आई है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है जो फाइनेंस पे बनी ही है, उसने कहा है कि अनफॉर्चुनेट हम विद होल्डिंग टैक्स के थ्रू जो है प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट नहीं कर सके टेलीकॉम सेक्टर से। उस पर आप क्या कहेंगे सर, टेलीकॉम कंपनीज जो हैं? भाई वो तो ज़ाहिर है, आपने जब टेलीकॉम कंपनीज़ को ये प्रोविज़न दिया है कि वो विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करें, तो उसके पीछे टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट हुआ और वो कलेक्ट होकर फिर ट्रेजरी में क्यों नहीं गया, ये तो आपको पता करना चाहिए ना, एनालाइज करना चाहिए कि ये कहाँ पर एडमिट किया। हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके। नहीं, टारगेट क्यों नहीं अचीव किया? आप देखें ना, इस मुल्क की आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है, लोग जो है टेलीकम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, लोगों के पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल सारा डेटा है, तो कलेक्शन तो होनी चाहिए। ये तो कोई मुझे इसमें कोई अनोखी बात नज़र नहीं आ रही कि कलेक्शन क्यों कम हुई है। आई बात सिर्फ इतनी है कि इसके पीछे कोई स्कैम लग रहा था मुझे तो। 4 telecom firms collecting rupees 4 billion withholding tax every month but no depositing the same with the tax authorities. तो फिर अब आपने देखा collections के ऊपर मसला नहीं है, जो बयान उन्होंने दिया है कि हम collect नहीं कर सके, लेकिन आप देखें ना उन्होंने collect ज़रूर किया है, वो जमा नहीं करा रहे। क्यों नहीं जमा करा रहे? आपने उनको पेनलाइज़ किया। आपने कवानीन जब बनाए थे उसमें यही था ना कि आप 15 दिन 20 दिन के बाद जो भी टाइम फ्रेम आपने दिया है टेलीकॉम अथॉरिटीज़ को कि वो पेमेंट आप उनको जमा करें। चेयरमैन ऑफ द कमेटी सेनेटर सलीम आंदीवाला कहते हैं कि प्रॉपर ऑडिट कराया जाए टेलीकॉम का, व्हाट डू यू से? ठीक है, कराएं आप, आपका इख्तियार है, क्यों नहीं करा रहे आप भाई? कराएं ना आप, आपने अगर आपके पास इख्तियारात हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं तो कराएं, लेकिन एक मसला सिर्फ ये है कि देखें ये सब हजरात जो इतने बैठे हुए हैं ना हमारे माशाल्लाह लीडर और हुक्मरान, ये बयान तो दे देते हैं लेकिन उनके पीछे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है और पॉलिटिक्स होती है। हसनी साहब हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज़ ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी बात कर लेंगे, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे। स्टे विद अस।